जंप करते करते ही दोस्तों 77 हो चुका था FPS। हे पबजी लवर्स, कैसे हैं आप सब। वापस से आ चुके हैं हम और एक नए गेमिंग वीडियो के साथ। फाइनली इंतजार खत्म हुआ दोस्तों, हमारे चैनल पे भी आ चुका है अब आरओजी 3 का पबजी रिव्यू टेस्ट, जहां पे आज हम खेलेंगे इस फोन में पबजी मोबाइल को विथ 4 फिंगर फुल जायरो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ये फोन कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, मैंने खुद इसको पैसे लगा के यार खरीदा है 58,000 और ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ से पबजी खेला है। भाई पूछो मत, ये एक पूरा का पूरा गेमिंग कंसोल फोन है, इसमें इतने सारे स्पेसिफिकेशन है बताना मैं शुरू करूं तो यार खत्म नहीं होगा। यदि आपको इसके स्पेसिफिकेशन पूरे जानने हैं कि भाई इस फोन में ऐसा क्या क्या है, तो आप मुझे यार कमेंट्स कर सकते हो, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यार इस फोन की जो आउटलुक को देखो एक बड़ी भाई कितनी खतरनाक लगती है। पीछे जो लाल पीला हर रंग का जलता हुआ लाइट ना भाई, मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और ये फोन पे जो कर्ट्स है ना, ये काफी अच्छा एक लुक प्रोवाइड करता है इस फोन को। बात करो इसके डिस्प्ले की तो 144Hz का एमोलेड पैनल वाली 6.59 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको हीट वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन दिख जाते हैं। प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पे Asus ने Snapdragon 865 प्लस चिपसेट को डाल रखा है, जो कि पहला कोई डिवाइस है जो इस चिपसेट के साथ आता है। रैम मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें आपको 12GB की DDR5 लेटेस्ट रैम विद 256GB स्टोरेज के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाके मैं आप सभी को सिस्टम में दिखा दूं कि ये फोन कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन 10 पे अभी फिलहाल रन कर रहा है। अभी के जितने सारे अपडेट्स है मैं इस फोन पे कर चुका हूँ, यहाँ पे कोई अपडेट पेंडिंग नहीं है। तो आज हम इसमें करने वाले हैं पबजी मोबाइल को टेस्ट विद 4 फिंगर फुल जायरो के साथ, जहां मैं आप सभी को बैटरी ड्रेनिंग से लेके हीटिंग इशू या फिर FPS सारा कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा देखना जरूर। यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे यहां लगा पता है क्या, यहां पे आप दो पोर्ट आपको मिलेगा, आप चाहो तो वहां से भी हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो या फिर इस पार्ट से भी हेडफोन कनेक्ट करके आप पबजी खेल पाओगे। वेट मैं आपसे खोल के दिखा दूं, यहां पे यहां से आप हेडफोन कनेक्ट कर पाओगे और इजीली जो है यहां से आप पबजी खेल पाओगे और बहुत अच्छी ग्रिप आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे हेडफोन या फिर चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं रहेगा, तो आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी पबजी खेलते वक्त। तो फटाफट यार हम पबजी रन कर लेते हैं यहां पे। यार बहुत ही कम टाइम में हमारा पबजी मोबाइल यहाँ रन हो चुका है, कलेक्ट कर लेते हैं साथ ही में। ओके, तो यहाँ पे हमारा पबजी का फ्रंट इंटरफेस खुल चुका है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ ग्राफिक्स दिखा दूं, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करूं ग्राफिक्स की तो स्मूथ प्लस यहाँ पे 90 FPS आपको देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम पे भी आप खेल पाओगे बट 90 FPS यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बैलेंस पे आप एक्सट्रीम खेल पाओगे, HD पे भी एक्सट्रीम चलेगा, HDR पे भी एक्सट्रीम चलेगा, अल्ट्रा HD भी है, फिलहाल मैंने यहाँ डाउनलोड करके नहीं रखा है। अल्ट्रा HD पे भी आप एक्सट्रीम खेल पाओगे, जो कि यार काफी बढ़िया बात है। यहाँ पे मैं स्टाइल को कलरफुल रखूंगा, बाद बाकी आप देख लो। यहाँ पे कंट्रोल्स दिखा दूं मैं आप सभी को, तो मैं यार मेरा यही 4 फिंगर क्लॉ है, मैं इसी क्लॉ पे खेलना पसंद करता हूँ, काफी फास्ट क्लॉ है, यदि आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो अपने लिए। साथ ही मैं सेंसिटिविटी दिखा दूं, तो भाई ये सेंसिटिविटी मैंने स्पेशली आरओजी 3 के लिए रखी है और बहुत से सर्च के बाद मैंने सेंसिटिविटी रखी है। इसमें 6x का स्प्रे और 3x का भाई पूरा जीरो रिकॉइल है, यदि आप M4 या फिर AUG के साथ चलाओगे तो। यहाँ से आप सेंसिटिविटी देख सकते हो, यदि आपको पर्सनली चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं वहां पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जायरो जो है ऑलवेज ऑन पे रहती है और स्कोप मोड होल्ड पे रहता है। तो फटाफट हम यहाँ पे कोई अपने टीममेट्स को बुला लेते हैं और हम हॉट ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे जॉर्जियोपुल होलो या फिर पोचिंकी या फिर मिलिट्री बेस, और शैनोक का बूट कैंप तो लास्ट में है ही। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट हो गया है और जायरो आप देख सकते हो भाई कितनी सही जायरो है, कोई डिले नहीं है जायरो में, और स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट यहाँ 144Hz तक का हमें मिल रहा है। गेम जीनी में आप देख सकते हो यहाँ पे रियल टाइम इन्फो मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है, जहाँ पे आपको GPU, CPU, बैटरी और टेम्परेचर, FPS सारा कुछ यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट दिखाई देगा। अभी तो 90 FPS दे रहा है। बैटरी की बात करूँ तो अभी फिलहाल पूरी 100% बैटरी इसमें स्टिल अभी अवेलेबल है। टेम्परेचर अभी फिलहाल मोबाइल का दिखा रहा है 32°C, देखते हैं गेम प्ले के बाद टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ता है। अबे 7-8 स्कॉट दिख रही है मुझे यहाँ पे, बचने के सर्वाइव करने कोई चांस नहीं है यहाँ, इधर कोने में उतरते हैं। ओ भाई कंटेनर्स ले लो तुम लोग, मैं वेयरहाउस ले लेता हूँ।
यहाँ पे कॉन्स्टेंट FPS मुझे देखने को मिल रहा है 90, बहुत अच्छी बात है। जो देखते हैं और सामने की तरफ जाते हैं बंदे, वहाँ देखते हैं कि FPS ड्रॉप होता है या फिर नहीं, बट अभी तक मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला इस फ़ोन के साथ। वहाँ फ्रंट पे है, फ्रंट पे बंदा है, जल्दी जल्दी क्रॉस करो, यहाँ बंदा है। अबे फ्रंट पे बंदा है भाई, यार बहुत लेट है। यार ये बॉट मार दिया, बताओ इतनी कम है। वेयरहाउस आ जाओ, वेयरहाउस पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो, मैं कवर दे रहा हूँ तुम्हें। भाई बहुत भजड़ मची है, बहुत पिंग ड्रॉप हो रहा है, 76 हो जा रहा है, कभी 70 हो रहा है ऑलमोस्ट। बे यार एमओ भी नहीं है मेरे पास। अरे यहाँ पे है तो आ जाओ, यहाँ पे रुको, रुको, रुको। कोई ना वो अकेला है क्या शायद, दो बंदे हैं। हर एक एक यहाँ लास्ट में जो कैरेट के पीछे वो लकड़ी का रखा था उसके पीछे बैठा है, बैठा था वो। यहाँ एक ही जगह मत बैठो। अबे यार कैसे बच गया, लिटरली मैंने पूरा एग्जैक्ट वही नेट फेंका। अरे अरे रुको, वो लोग आएंगे ना इधर से, आ रहे बंदे आ गए। मर गए, लास्ट था इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। सिटी वाले नहीं, ये सिटी वाले नहीं, ये सिटी नहीं था बट ये बंदा था। उतार देंगे यार हमको भी। हाय बंदा देखो, अरे यार बंदे हैं यार यहाँ पे। ओ फक, तो ये था हमारा कुछ जॉर्जो पुल का गेम प्ले, ठीक ठाक रहा जॉर्जो पुल का। अब आते हैं फाइनल और आखिरी टेस्ट पे, जो कि है सैनोक का बूट कैंप। और बूट कैंप पे दोस्तों तो पता ही आप सभी को, अच्छे अच्छे स्मार्टफोन की माँ बहन एक हो जाती है। देखते हैं कि इस आरओजी में भाई कितना दम है, लेट्स सी। और बूट कैंप पे लग रहा है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, सब रैंडम से यहाँ पे। लेट्स गो। और जंप करते करते ही दोस्तों 77 हो चुका था FPS यहाँ पे गिर के। देखते हैं कितने सरवाइव कर पाएंगे। दो स्क्वाड तो मुझे फिलहाल अभी नीचे दिख रही है, दो तीन। इतने बंदे आने के बाद दोस्तों ये फोन 90 पकड़ के रखा है। यार पूरा फुल स्क्वाड रश कर दिया। तो यही था दोस्तों हमारा कुछ आरओजी का गेमिंग एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा मतलब गेम प्ले है, नो डाउट। यदि आप पबजी खेलने के लिए ये फ़ोन लेना चाहते हो या फिर गेमिंग करने के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। ओवरऑल यहाँ पे मैंने 50 मिनट्स मैंने पबजी खेला है, मतलब एक घंटे करीब, और 80% बैटरी ड्रेन हुई है।
मतलब यहाँ पे यदि एसुस बोलता है कि भाई कि नहीं मेरा मॉन्स्टर बैटरी है 6000 का, तो मुझे उतना कुछ ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं। ये 90 FPS कॉन्स्टेंट देखने को मेरे को मिला है मैक्सिमम टाइम, और CPU GPU तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे लाइव यहाँ पे दिख रहा था। यदि मैं बात करूँ इस फ़ोन की प्राइस को लेके, तो भाई प्राइस वाइज ये फ़ोन थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। मतलब 55,000 या 58,000 स्पेंड करने से अच्छा तो भाई मैं एक आईफोन पे ही स्पेंड करूँ। बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा एक गेमिंग स्मार्टफोन है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बाद बाकी आप ये वीडियो देख के जज कर सकते हो, यदि आपको फ़ोन लेना है तो आप ले सकते हो नो डाउट। हीटिंग इशू इसमें ना के बराबर है, क्योंकि इसमें कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, हीट वेंटिलेशन दिया हुआ है, जिससे ये फ़ोन काफ़ी हद तक ठंडा रहता है। और वैसे तो अभी तो ठंड का माहौल है, तो भाई कोलकाता में ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, तो मोबाइल हीट होने का चांस नहीं है। मैक्स टू मैक्स 40 डिग्री तक जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। मिलता हूँ आपसे जल्द एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।